संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का मैं टीना चौहान नमस्कार करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर हम गरीबों, मजलूमों और महापुरुषों की बात करते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज का हमारा विषय वही है, क्या भारत का संविधान जिंदा है। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में मिलिंद वानखेड़े जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसका एक एपिसोड कर लिया है जिसमें हमने संविधान की पृष्ठभूमि को समझा था, लेकिन हमें ये लगता है कि केवल एक वीडियो मात्र से हम संविधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाते। तो इसलिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए, संविधान को एक खाका खींचने के लिए और भी बातचीत की जरूरत होती है। तो आज हमारा विषय इसी मुद्दे पर रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित है और संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे। जैसे कि हमें पता है कि संविधान जब पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक हुआ करते थे, जब इसमें कुछ ज्यादा सदस्य थे, 389 सदस्य इसमें थे, 389 सदस्य थे। और उसके बाद में जब भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग संविधान सभाएं बना ली, तब भी इसमें 300 के लगभग सदस्य थे, 299। फिर भी कहा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान लिखा था? इसके ऊपर हम महिपाल सिंह जी आपसे अपने विचार लेना चाहेंगे। संविधान का निर्माण किया है लेकिन संविधान सभा में और भी सदस्य थे, तो इस तरह की चर्चा क्यों की जाती है? अक्सर हमको यही सुनने को मिलता है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, संविधान सभा में मेंबर थे 289 के करीब, 299 सदस्य। हाँ ठीक है, तो जितने मेंबर थे तो सभी ने तो संविधान लिखा नहीं। अभी भी आप देखेंगे संसद में, भारत में जो मेंबर है लगभग अभी चुने हुए 547 मेंबर है ना। दो मेंबर जो है लोकसभा के वो राष्ट्रपति चुनते हैं, इस तरीके से 545 मेंबर हो जाते हैं। 550 की सीट थी है ना, तो क्या सभी मेंबरों को आज बोलने का अधिकार है? बोलने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है वहाँ। जो इस पार्टी से चुना हुआ मेंबर होता है पार्लियामेंट में, उस पार्टी का एकाध मेंबर जो होता है ऊपर का, जो उसका मुखिया होता, उसको ही बोलने दिया जाता। उसको इस टाइम बॉन्ड दे रखा है कि इतना समय दिया जाता है, 5 मिनट 2 मिनट ही बोल पाओगे आप। दूसरे जो मेंबर चुने हुए होते हैं, कभी आपने सुना दूसरे जो मेंबर, अभी ये भी नहीं मालूम कि वो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, वो मेंबर है या नहीं है, बस चुन के चले जाते हैं। तो उस समय भी गांधी जो कांग्रेस की जो स्थिति थी, उस समय वल्लभ भाई पटेल या नेहरू जी जैसे लोग बोलते थे। अगर वो बोलते थे तो तीसरा नहीं बोल पाता था। बाबा साहब एक ऐसे मेंबर थे जो खुल के बोलते थे, क्योंकि उनको हर क्षेत्र में इतना नॉलेज था कि उनकी बात को ना नेहरू काट सकते थे ना वल्लभ भाई पटेल काट सकते थे, उनकी भी इतनी हैसियत नहीं थी। तो ये सब चीजें, इतने मेंबर थे जरूर, लेकिन वो किसी काम के नहीं हुआ है ना। काम के वही थे जिनकी चलती थी, या संविधान लिखा तो बाबा साहब ने लिखा। तो ये सब चीजें प्रचार करते हो, दुष्प्रचार इस तरीके से, कहीं ना कहीं विवाद खड़े हो, मुद्दे डाइवर्ट हो भारत में, इस तरीके से ये मुद्दे छोड़ते हो समय समय पे कि भारत लेकिन में। जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ ही संविधान में कुछ ही सदस्य थे संविधान सभा के जिनका महत्व था, बाकी के सदस्य बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत सारे विषय जो रहते थे सभी उस पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, और उसके बाद में किसी पर कंसेंसस बिल्ट होती थी, यानी कि सर्वसम्मति बनती थी जब जाकर किसी निर्णय पर पहुंचा जाता था।
आप तो बस केवल यही कह रहे हैं कि एक दो सदस्य ही थे वो मिलकर करते थे, तो इस तरीके से तो आज भी नहीं होता है, हमेशा से बहुमत की ही जीत रहती है। आज भी ये स्थिति, आप देखो मिनटों में कानून बने हैं, 29 लेबर एक्ट खत्म करे बीजेपी ने अभी पिछली सरकार में, और 4 लेबर एक्ट लागू करे, कोई बोल पाए, कोई डिबेट डिस्कशन हुआ। दूसरे जो किसानों के कानून आए, तीनों कानून उन्होंने लागू करे भी, उसके बाद पंजाब दिल्ली हरियाणा के किसान डटे रहे, तब साल मतलब 13 महीना डटे रहे, लगभग 1,500 किसान मर गए, है ना। उसके बाद सरकार थोड़ी सी पीछे हटी, उनको शिथिल करा, लेकिन खत्म नहीं किया, धीरे धीरे लागू हो रहे हो, कुछ हो रहा है क्या? अभी भी किसान लगे हैं विरोध करने। तो लेकिन जी हम बात तो तब की कर रहे हैं ना जब संविधान बना था, तो क्या आपका मतलब ये मानना है कि जो बाकी के सदस्य थे वो उनका महत्व नहीं था, वो बोलते नहीं थे या उनके कुछ विचार ही नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने किसको खड़ा, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन खड़ा करा था? बाबा साहब एक के अनपढ़ खिलाफ? आदमी। हाँ, बाबा साहब के खिलाफ संसद में महाराष्ट्र से जब चुनाव हुआ था संसद का, तो नेहरू ने 25,000 देके एक मेंबर खड़ा करा जो अनपढ़ था, शेड्यूल कास्ट का। तो वो आदमी चुन के तो चला गया बाबा साहब के संविधान की वजह से, लेकिन क्या वो बोलने का अधिकार है? उसको इतना नॉलेज था, नहीं बोल पाया। ऐसे बाबा साहब को दो दो तीन तीन सीटों से उन्होंने चुनाव हराने का कोशिश करा, जैसे महाराष्ट्र से हराया उनको, फिर उधर पश्चिम बंगाल से जीत गए बाबा साहब, तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दिया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया। तो बाबा साहब को चुन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ही मेंबर ऐसा था भारत में उस समय 1947-46 के दौरान, कि जो नेहरू हो या गांधी हो या वल्लभ भाई पटेल हो, कोई भी इतने जो मेंबर थे उनको लीड करने वाला एक ही नेता भारत में था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए नेहरू ने किसको लगाया? वल्लभ भाई पटेल को, कि ये डॉक्टर अम्बेडकर संसद में नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है नेहरू जी, हम इनको इनके लिए दरवाजे दरवाजे खिड़कियां और उजालदान भी बंद कर देंगे संसद के, इनको नहीं पहुंचने देंगे। तो बाबा साहब को नहीं पहुंचने आपकी दिया, बात तो जी इस आपकी बातों से तरीके ऐसा लग से। रहा है कि सभी ने मिलकर अंबेडकर जी को संविधान सभा में जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल फिर किया भी ना, जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि एक निचले क्षेत्र से आते हुए भी फिर वो किस प्रकार से संविधान लिखने में सक्षम हो पाए? जब उनके खिलाफ सब मत था, तब फिर वो कैसे लिख पाए? संविधान निर्माण में उनकी भूमिका इतनी बड़ी कैसे हो पाई? वो इसलिए हो पाई कि उनका जो जो नॉलेज था, एजुकेशन थी, आज भी किसी की नहीं भारत में। तो भारत में कहीं दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर हो, उस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो विशेषज्ञ के तौर पे बाबा साहब जाने जाते थे। तो जब ये इन्होंने जब रोकने का तो प्रयास करा, तो बाबा साहब ने इंग्लैंड में जो उस समय चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री, उनसे मिले कि हम ऐसे संविधान को नहीं मानेंगे जिसमें शेड्यूल कास्ट, और मतलब उस समय अछूत बोला जाता था शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, है ना, इन लोगों को, कि अगर इनको, गांधी का ये कहना था गोलमेज सम्मेलन में, अगर आदिवासी अछूतों को पिछड़ों को अधिकार दिए जाते हैं तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मैं ऐसी इसी गुलामी में अंग्रेजों के साथ जीने को तैयार हूँ। तो बाबा साहब ने जब चर्चिल से कहा कि मुझे संविधान में जब मैं जीत रहा हूं तो मुझे रोक दिया जाता है या मुझे हरवा दिया जाता है, इस तरीके से कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो मैं ऐसे संविधान को नहीं मानूंगा, ऐसे फिर उसके बाद उन्होंने मिलने के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी भारत में आने के बाद। तो ये मैसेज वापस अंग्रेजों के पास भी गया सारी चीजें हुई। तो इन्होंने गांधी नेहरू को बोला कि अगर आप ऐसा संविधान तैयार नहीं कर पाओगे जिसमें अछूत आदिवासी पिछड़ों को अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है, तो हम आपको पूरी तरीके से आजाद नहीं करेंगे। तो फिर गांधी नेहरू ने सोचा कि अब संविधान तो हम भी लिख भी नहीं पाएंगे, तो मजबूरी हो गई। जब ये गए भी सही विदेशों में घूमने, नेहरू जैसे गए कि हम संविधान के कोई विशेषज्ञ को लाए, तो वहां भी अंग्रेजों या विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड में ये कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर से बेस्ट संविधान विशेषज्ञ दुनिया में अभी नहीं है, तो
आपके देश में होते होते आप इधर क्यों घूम रहे हो? तो फिर इनकी मजबूरी हो गई, तो फिर इन्होंने एक सीट महाराष्ट्र से खाली करवाई और वहां से डॉक्टर अंबेडकर को जितवाया और फिर बाबा साहब जीत के गए और फिर इनको मजबूरी होके बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। तब बाबा साहब अंबेडकर ने 50-60 देशों के संविधान का अध्ययन करा, खुद ड्राफ्ट करते थे, खुद डिबेट करते थे। संतुष्ट किसको होना था वहां पार्लियामेंट में? नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी इस तरीके के जो मेंबर थे। तो ये 2-3 लोगों को वहां संतुष्ट कराना रहता था बाबा साहब को, बाकी तो बोलते ही नहीं थे नेहरू या उनके आगे पीछे। हाँ मैं हाँ मिलने वाले लोग महिपाल जी, अभी आप ये बताइए कि जैसे आपने ये कहा कि अंबेडकर जी को फिर बाद में उनको मजबूरी हो गई तब उनको चुन करके वहां पर भेजा, तो अंबेडकर जी से ही क्यों लिखवाया गया संविधान? मतलब उनमें इतनी कौन सी योग्यता थी जिसकी वजह से उन्हें चुना गया, और इसका सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया? क्योंकि जैसे आपने बताया था कि नेहरू जी तो उनके विरोध में थे पहले, तो समर्थन किसने किया था, किसकी वजह से वो पहुंच पाए? देखो समर्थन तो अंदर देश के अंदर मुसलमानों का समर्थन था, उनको अछूत जातियां जो थे, पिछड़े जो लोग जागरूक थे उस समय के, वो लोग समर्थन करते थे, है ना। तो सिख समाज हो, ये जो लोग थे इनका समर्थन था, लेकिन लेकिन संसद में जाना बड़ी कठिन परिस्थिति थी उस समय, क्योंकि आज भी आप देखें कि आज भी संसद में हमको जाना हो, सांसद विधायक बनना हो, तो हमारे जैसे लोगों को नहीं भेजेंगे। अगर खड़े हो गए तो हम जीत नहीं पाएंगे। किन लोगों को भेजते हो? जो अनपढ़ जाहिल होते हैं, या पढ़ा लिखा भी है तो बिल्कुल गूंगा बहरा हो, जो बोल नहीं सकता, जिसको अध्ययन ना हो संविधान का, इतिहास का। ये भेजने वाले कौन होते हैं? भेजने सत्ताधारी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहाँ जिनका जनाधार हो, वहाँ उनके जो लोग जीत के जाते हैं तो भी ज्यादा। अभी तो अभी आप जैसे ये बोल रहे हो कि जो गूंगे बहरे रहते हैं या फिर जिनमें योग्यता की कमी रहती है उनको भेजा जाता है, लेकिन अंबेडकर जी तो अपनी योग्यता की वजह से ही पहुंचे थे, तो हमें ये विरोधाभास कैसा? बाबा साहब योग्यता थी उनके पास, लेकिन वहां मजबूरी आ गई थी कांग्रेस की, क्योंकि संविधान लिखाना भी था। इधर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने की भी खुजली थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि आपको संविधान आपको लिखना पड़ेगा खुद को, और वहां सभी जाति धर्म के लोगों को प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तब हम ऐसे संविधान को मान्यता देंगे। नेहरू ने उस समय 1935 में लिखा एक संविधान, जिसको अंग्रेजों ने फेल कर दिया कि ये संविधान काबिल नहीं है। वल्लभ भाई पटेल ने भी कोशिश करी, लेकिन ये लिख नहीं पाए ना, तो ये मजबूरी थी कि संविधान तो लिखाना, आप ठीक है अभी लिख लें दो इसको, इसके हिसाब से कुछ भी लिखे, लेकिन जब देश तो हमारे हाथ में रहेगा, सत्ता तो हमारे पास रहेगा, पावर हमारे पास रहेगा, अमल तो हम कराएंगे ना। तो आज क्या हुआ, बाबा साहब का संविधान है लेकिन उसको चलाने वाले लोग गलत है ना, उन्हीं के लोग है सत्ता में, तो आज इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? आज किसानों की नहीं सुन रहे हैं। हमें अंबेडकर जी की भूमिका तो देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपके विचार में केवल उन्हीं की भूमिका थी या उनके अलावा भी और ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, वो कौन थे? देखो संविधान बना तो उसमें ऐसी 10-12 कमेटियां बनी थी जिनका अलग अलग काम था, है ना। हाँ तो वो अपना अपना कुछ अपने अपने क्षेत्र का, कहीं शेड्यूल कास्ट का मैटर हो तो शेड्यूल कास्ट का नेता आदिवासी एरिया में जाए, वहाँ की कुछ जानकारियां जुटा के बाबा साहब को दे, है ना। ओबीसी वर्ग का है तो ओबीसी शूद्र समाज का मामला है तो उसके क्षेत्र में जाए, उनकी समस्या बाबा साहब को बताए। तो सारी चीजें ऐसे कमिटियां बनी थी, उनके लोग जो उसके अध्यक्ष होते थे उस समिति के, तो बाबा साहब को कुछ चीजें देते थे, जैसे कुछ मेंबरों को बाबा साहब ने विदेश भेजा था कि कुछ संविधान आप वहां की जानकारियां जुटा के मुझे दो, लेकिन उनको विदेश ऐसा अच्छा लगा तो वो वहीं शिफ्ट हो गए। जो 7 मेंबर थे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें से एक ने कह दिया मैं अछूत के साथ नहीं काम करूंगा, वो अलग हो गए। एक मर गया, 2 विदेश शिफ्ट हो गए,
एक दो ऐसा कि हमको कोई काम है या बीमार हो गए तो वो ऐसा बाहर हो गए, तो सारा भार था वो बाबा साहब पे था संविधान लिखने का। कुछ जो छोटी समितियां दूसरी समितियां जो बनी थी उन लोगों ने कुछ जानकारी जुटा के दी बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब खुद आप देखना कि हम भारत में जो मध्य प्रदेश में जहां मैं रहता हूँ, बाबा साहब खुद इंदौर जैसे शहर में इधर मालवा में घूम के गए थे। उन्होंने देखा कि जो अहिल्या बाई का राज था इंदौर में, वहां भी आसपास इतनी छुआछूत थी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मतलब बराते नहीं निकल सकती थी, पगड़ी नहीं पहन सकते थे उनके लोग, महिलाएं साज श्रृंगार नहीं कर सकती थी, कोई मर जाता था उनके मसान के लिए रास्ते अलग थे। इंदौर जैसे शहर के आसपास के जो गांव है, बिचोली मर्दाना जैसे गांव है, उन गांवों की ये हालत थी उस समय 1946-47 में। तो बाबा साहब ने यहाँ जो बलाई जाति है उसको अनुसूचित जाति में रखा, इसलिए बलाई जातियों को जैसे चमार जाति हो, जिसको जाटो भी बोलते हैं, रविदास समाज भी बोलते हैं, बंगी जातियां भी है भारत में, ऐसी मालवा में बलाई जाति है। अंबेडकर जी ने खुद जब संविधान बन के तैयार हो गया तब उस पर जो स्पीच उन्होंने दी थी तो उन्होंने इसमें कहा कि मैं अकेला इस संविधान का अधिकारी नहीं हूँ, मतलब मैंने ही इसमें योगदान नहीं दिया है, उन्होंने अन्य सदस्यों का भी कहा, और खासकर उन्होंने जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव उनकी भी भूमिका को बढ़ चढ़ कर बताया, तो उनकी भूमिका के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीएन राव आपका माइक ऑन करिए। हाँ, महान व्यक्ति जो होता है वो श्रेय दूसरों को भी देता है, तो बाबा साहब महान व्यक्ति थे इसलिए उन्होंने दूसरों को भी श्रेय दिया कि ये लोग भी, इन्होंने भी मेरा साथ सहयोग कर समिति में, लेकिन जो सहयोग होना था वो नहीं। तो टोटल जो भार था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे रहा संविधान का, क्योंकि आप देख अब अपन अगले मुद्दे पर आते हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन इतना लंबा समय लगा, जबकि अमेरिका का संविधान जो कि 1887 में लागू हो गया था वो मतलब 116 दिनों के भीतर बन के तैयार हो गया, तो हमारे संविधान को बनने में इतना अधिक समय क्यों लगा? यहाँ इसलिए समय लगा कि यहाँ जो भारत में अमेरिका में नस्ल भेद था काला और गोरा, लेकिन भारत में नस्ल भेद के अलावा जातिवाद, धर्मवाद जो हर जाति वर्ग में इतना भरा हुआ था, अंधविश्वास, पाखंड, हर चीज, मतलब यहाँ एजुकेशन का भी अभाव था, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी अमेरिका से कहीं बहुत पीछे है, तो ये सारी कंडीशन समस्याएं थी भारत में, इसलिए समय लगना स्वाभाविक था कि हर जाति हर धर्म को पढ़ना समझना भी है, उसके लिए क्या रखना संविधान में, क्या नहीं देना उसको, ये सब चीजें थी। तो अंग्रेजों की जो बात थी कि हर वर्ग को संविधान में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो वो चीजें बाबा साहब हर वर्ग के लिए संविधान में उन्होंने रख पाए, इसलिए उसमें समय लगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति पे बाहर आना पढ़ना भी सही, फिर टाइपिंग से उसको रात को ड्राफ्टिंग करना, फिर दिन में संसद में उस पर भाषण करना, उसको नेहरू वल्लभ भाई पटेल जैसे को संतुष्ट करना, तो कितना समय तो लगेगा ना। हर आर्टिकल जो 395 आर्टिकल है, हर आर्टिकल पे बहस हुई संसद में। आज के समय में 448 अनुच्छेद हो गए हैं, तो इसमें दो बातें रहती है कि एक तो उसमें समय भी अधिक लगा और बड़ा भी बहुत बना, तो ये बड़ा बनाने की इतनी जरूरत मतलब क्या थी? भारत में इसी बात की तो जरूरत है कि अगर अल्पसंख्यक समाज है तो आर्टिकल 25 से 30 तक 5 आर्टिकल उनके लिए स्पेशल लिखे गए कि उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उनको स्कूल खोलने के अधिकार है ना, अपना संगठन बनाने का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ऐसे 5 आर्टिकल तो यही है इनके लिए स्पेशल धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के लिए। फिर इधर आ जाए अपन SC ST के लिए या फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो Article 13 से लेकर 35 तक ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें SC ST या OBC के लिए रखा उन्होंने, या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, जाति लिंग आधार पर जैसे Article 15 है जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना होगा, फिर 15(4) में शिक्षा का अधिकार दे दिया उन्होंने, फिर 16 में समता का अधिकार, फिर 16(4) में
नौकरी का अधिकार है, 16(4) ए में प्रमोशन का अधिकार है एस सी एस टी को, है ना। फिर बाद में इन्होंने 16(4)(6) करके अभी ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया, जनरल जाति के लोगों को भी उसमें रिजर्वेशन 10% दिया जाएगा। इस तरीके से आर्टिकल 17 में जाति निर्मूलन, मतलब किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं होगा उसके लिए। ये आर्टिकल्स तो हमने सब जाने हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब भी इसमें 395 अनुच्छेद थे, और उसके बाद से आज दिनांक तक, मतलब हमारा संविधान 1950 को लागू हो गया, तो उसके बाद से अब तक इसमें 106 संशोधन हो गए। जितने साल हमारे संविधान को बने हुए नहीं हुए उससे ज्यादा इसमें संशोधन हो गए। वही जैसे हम अमेरिका के संविधान से कंपेयर करें तो उसमें केवल 7 अनुच्छेद है और उसमें केवल 27 बार संशोधन हुआ है। तो हमारे संविधान में इतना संशोधन क्यों होता है? क्या संविधान में ये कुछ कमी है जिसको बार बार सुधारने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर आपके क्या विचार? संविधान में इतना सुधार करने की जरूरत नहीं है। संविधान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। संविधान में बार बार संशोधन कांग्रेस बीजेपी के जो लोग है ये अपने अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में बैठे इनके जजेस जो लोग है जातिवादी, ये हर समय समय पर गलत फैसले देते हैं संविधान के विरोध में, है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान बचाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये संविधान के विरोध में फैसले देते हैं, तो इनके आधार पर अमेंडमेंट करते हैं लोग, फिर वही फैसले वही पलट देती सुप्रीम कोर्ट, अपने फैसला पलट देती संविधान के। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं संविधान के विरोध में? ऐसे ऐसे कानून बने हैं जो संविधान के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के आंख मीच के बैठी है क्या? किसानों के विरोध में बिल आए, लेबरों के विरोध में बिल आए, एलपीजी इंकनों में आया, सेज नाम का कानून 2003 में आया, फिर जीएसटी एफडीआई आया, तो ये संविधान के विरोध में नहीं है। चार कानून ऐसे हैं जो संविधान को खोखला कर दिया इन्होंने। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट अगर रक्षक है तो इन कानूनों को नल एंड नील घोषित क्यों नहीं करते हैं? देखो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना संविधान में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपके हिसाब में क्या मतलब, कौन से कानून से क्या खत्म हुआ संविधान का? देखो 1991 में कांग्रेस ने एलपीजी नाम का कानून बनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरे भारत का भूमंडलीकरण का प्राइवेटाइजेशन करा, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, जिसकी वजह से जो सरकारी सेक्टर था, है ना, भारत में बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, पीडब्ल्यूडी रोड हो, बीपीसीएल हो, जितने भी भेल हो, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी पेट्रोल की हो या अदर कंपनियां जो गवर्नमेंट सेक्टर के, वो सारे प्राइवेट हो गए धीरे धीरे। अब प्राइवेट हो गए तो उनका आरक्षण जो था उसमें एस सी एस टी ओबीसी वो जीरो होता चला गया, तो आरक्षण भी खत्म हो गया एलपीजी कानून से। प्राइवेट मुद्दे पर अपन फिर बात करेंगे कभी, अभी हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान में जी, वो संविधान में है, लेकिन वो जैसे संविधान की पृष्ठभूमि को हम देख रहे हैं, तो हम वापस शुरुआत वहीं से करेंगे। जैसे हमको पता है कि संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इसको लागू करने में और अधिक समय क्यों लिया गया? 26 जनवरी 1950 तक का वेट क्यों किया गया? ये तो नेहरू जी थे, नेहरू जी कांग्रेस का राज था उस समय, कांग्रेस की मनमानी थी, जब उनकी इच्छा हुई उनने लागू कर दिया। हमारा जिस दिन राज आ जाएगा भारत में, हम मजलूमों के हित में फैसले लेंगे, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो का संकल्प बुद्ध ने लिया था वो संकल्प हम पूरा करेंगे इस देश में, वही सम्राट अशोक का देश बनाएंगे। इनकी संख्या है हम इनको भी देंगे, इनकी जितनी संख्या है उतना हिंसा इनको भी देंगे। इनका और उनका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमारा राज आ जाएगा या फिर इनका राज था, इससे क्या कहना चाहते हैं? जैसे भारत में अंग्रेज विदेशी थे तो भारत में भी ब्राह्मण विदेशी, आर्यों का आक्रमण हुआ था आज से 3,500-4,000 साल पहले, जो अपन 5,000 साल पुराना मानते हैं। तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो भारत का है या दुनिया का है, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत में रहने वाला जो ब्राह्मण आर्य है वो विदेशी है, तो विदेशी ब्राह्मणों का भारत में राज है ना, तो उन्हीं लोगों का सत्ता है भारत में। सुप्रीम कोर्ट हो, पार्टियां कांग्रेस बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन लोगों का इन्हीं का कब्जा है, तो ये लोग अपनी मनमानी से देश चला रहे हैं।
संविधान कितना लागू करना कितना नहीं लागू करना, इसको कैसे डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इनने बाईपास सर्जरी करी, जैसे बाईपास रोड निकलते है कि नहीं, ऐसे संविधान की बाईपास सर्जरी कर दी इन्होंने, ऐसे कानून ला ला के FDI, GST, सेज, LPG। अब सेज नाम का कानून 2003 में कांग्रेस में। मिलिंद वानखेड़े जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ, अभी घर आ गया हूँ, मैंने टैबलेट चालू किया है जी। ठीक है, आप अपना ये चालू कर दीजिए। जैसे हमारा जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार कर दिया, लेकिन उसको लागू कर रहा 26 जनवरी 1950 को, तो इतना बीच का समय, मतलब ये समय क्यों लिया गया, वो उसी तारीख को क्यों लागू किया गया? ये तो एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपका। ये घोषित सौंपने के बाद फिर उनको डिसाइड किया कि ये इनैक्ट तो लागू एक्सेप्ट तो कर लिया 26 जनवरी को लागू करना, ये उतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या है, जब सौंपते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक हिदायत दी थी, आज के बाद, मतलब वो घोषणा उस समय की गई थी, मतलब आज के बाद जब से इनैक्ट होगा तो हम दोहरी लाइफ में जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे जो सवाल आ रहे हैं ना, ये सारी इतिहास के गर्भ में है, यानी इतिहास बहुत पुराना इतिहास नहीं है। 1918 से 1916 से लेकर 17 से जब बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं, 56 तक बाबा साहब है जिंदा, जो 40 साल का टाइमिंग है। तो इस पीरियड में जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा आज से हम लोग दोहरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब पॉलिटिकली हम लोग वन वोट वन वैल्यू हो जाएंगे, एक मत, चाहे राजा का मत हो, चाहे बड़े अधिकारी का मत हो, चाहे टैक्स देने वाले हो या गरीब हो। उस समय जो एज थी 21 ईयर्स ओल्ड थी, बाद में 18 कर दी गई वोट देने का। तो उन्होंने कहा इधर, लेकिन समाज के अंदर क्या है, गैर बराबरी है। गैर बराबरी कैसी है, सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। इसीलिए जब तक हम इस गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे तब तक संविधान का कोई भी आर्टिकल वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। या उनको, उन्होंने किसको चेतावनी दी थी, जिनके हाथ में संविधान लागू आएगा या लागू करने वाले थे उनको धमकाया था, इससे जो पीड़ित वर्ग होगा, इससे जो दुखी लोग होंगे वो विद्रोह करेंगे, ऐसा बाबा साहब सोचते थे। लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की 1956 में बाद में जो बुद्धिज्म अपनाते हैं और आगे की जो प्रोग्राम थे उनके, जो प्लानिंग था इन फ्यूचर का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की गई है, उनकी जो मैडम है कबीरा अम्बेडकर, नेहरू के कहने पर सारी चीजें, बहुत सारा रिसर्च इतिहास सामने आया हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को, 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, बुद्धिज्म में अपनाया। इसके पहले और भी प्लानिंग होना था, हत्या क्यों गई कि वो उन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं वो रिलेवेंट करके बताना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि जो बातें हैं वो कुछ है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित देश और समाज की रचना करना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल कहाँ से लिया, ये बुद्धिज्म से लिया। लोग उस समय संविधान के लोगों को क्या बोलते थे, क्या ये आपने वहां से लिया, कार्ल मार्क्स के उससे लिया, नहीं। तो उन्होंने देसी घोषणा की, बाद में उनको हत्या की गई है, ये रेफरेंस है इस संदर्भ में। आप रही बात, आपने पूछा कि ये नवंबर से दिसंबर जनवरी में क्यों लिया, ये तो वो कमिटी ने डिसाइड किया था कि उस समय मतलब अप्लीकेबल करेंगे, यही है, उसमें कोई नई चीज नहीं है जी। जैसे संविधान हमारा है तो इसकी एक और आलोचना भी की जाती है कि ये उधार का थैला है, संविधान, भारत का संविधान उधार का थैला है, या फिर इसको नकल मार के बनाया गया है, तो ऐसी चर्चाएं क्यों सुनने को मिलती है, ऐसी बातें क्यों होती? अगर इस बात को आप सुनने को मिलती है, अधिकतर इसको मनोवादी या ब्राह्मणवादी लोग तो के द्वारा ऐसी बातें की जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बना हुआ है 1948 का बना हुआ, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र बना और उसके जो चार्टर्स बने, उसके नियमावली बनी 1948 में बनी, और हमारा संविधान भी उसी पीरियड में सारी जो बातें आई अधिकतर तो वो सारी चीजें आई है। और बहुत सारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो बातें अभी करंट में देखते होंगे, जो आर्टिकल्स है वो फर्स्ट इंडिया एक्ट है उसका बहुत सारे, या सेकेंड इंडिया एक्ट है 1935, उसके बहुत सारे चीजें उसमें आई है, नकल नहीं है। जो चीजें दुनिया में अच्छाई चीजें होती है तत्कालिक समय में, मतलब एक एग्जांपल के दूसरे एग्जांपल के आप समझ में आए कि आप
यूएसए में बैठे हैं, हम भोपाल में बैठे हैं, तो अभी जो टेक्नोलॉजी है इसके भी वर्जन होते हैं ना, अपग्रेड अपग्रेड और अपग्रेड करते रहते हैं। तो तत्कालीन समय में जो अच्छी व्यवस्थाएं अन्य अन्य देशों में थी, जिन देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए या लोकतंत्र को अपनाने के लिए जो चीजें वैल्यूएबल होती थी वो चीजें उनके संविधान में थी, वो बाबा साहब ने स्वीकार किया। क्योंकि उनकी अगर आप डिग्रियां देखेंगे ना, तो उतना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, वो सारी चीजों पर कमांड नहीं होती थी, तो इसीलिए वो चीजें अपना ही क्या नहीं जाती। आज के जमाने में कोई टेक्नोलॉजी है तो अपनाते नहीं, अमेरिका की टेक्नोलॉजी या किसी देश की टेक्नोलॉजी या डिफेंस में अपनाते, तो वही चीजें उस समय हुई। तो ये लोगों का गलत आर्गुमेंट है कि कॉपी पेस्ट नहीं होता है। किसी भी देश की जो संविधान होता है वो सार्वभौम होता है, मतलब वहां की जनता, वहां की हालात परिस्थितियां को देखते हुए उसके आर्टिकल और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वही लॉ भी वैसे ही बनता है। लॉ अगर अभी कुछ बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिलेट करते हुए बताऊं, पॉक्सो एक्ट क्यों आया? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं समाज में घट रही थी, बच्चों के साथ हो रहा था, 2005 को एक्ट लाना पड़ा, पार्लियामेंट 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाना पड़ा, ये तो समय की जरूरत रहती है। तो वो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान लिखा, तो वो आगे के 100 साल के बाद में क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें लिखी, साथ में ये भी व्यवस्था कर दी कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है समय समय पर, कुछ चीजें अप्रासंगिक होती, इनरेलेवेंट होती, तो उसको हटा भी सकती है पार्लियामेंट पर राइट दिए हुए। अब मुख्य जो बात है, भारत देश में क्या है आपको पता है, इसको मनोवाद बोलते हैं, ब्राह्मणवाद बोलते हैं। हजारों साल से पहले क्या है, 650 से ज्यादा रियासत थी, जो संविधान में जो वो होता ना राजतंत्र होता था, उसको विलीन करके, सरदार पटेल के माध्यम से विलीन करके उसको लोकतंत्र में लाया। लेकिन भारत को कभी भी लोकतंत्र की हैबिट नहीं रही, लोकतंत्र की मतलब जनता जनता के लिए और उसको करने के लिए उस तरह का, यहाँ एक होना चाहिए ना कुछ सालों का संघर्ष। जैसे आप अगर बोलेंगे कि हम अगर आप गुरुवाणी को पढ़ते हैं या गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह का एक पीरियड है 10 गुरुओं का, तो उससे कुछ चीजें बनती है, परंपरा से अपनाने से चीजें बनती है। तो भारत में हैबिट नहीं रही ऐसा, वो राजा का शासन रहा है या पहले भी सम्राट अशोक की बात करें, राजा हमारा सवाल तो ये है कि जो संविधान है नहीं, मैं इस विपक्ष से बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसी बातें करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि भारत की जो भूमि है वो राजा महाराजों की भूमि और डेमोक्रेसी का ही, जिसको गणतंत्र शब्द है ना संविधान में, मैं इसी विपक्ष से मैं कि भटक के मुद्दा बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है डेमोक्रेसी को दूसरा वर्ड क्या है, गणतंत्र हिंदी में बोलते, गणतंत्र डेमोक्रेसी लोकतंत्र, रिपब्लिक को बोलते हैं गणतंत्र, हाँ, और जो डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट राइट, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे गणतंत्र मतलब वही, उसी को लोकतंत्र है। ये बुद्धा के समय से चला आ रहा है इस तरह की बात, बहुमत के आधार पर किस चीज का निर्णय करना, तानाशाही नहीं है, यही रिपब्लिक डे। इसी पर महिपाल जी के विचार लेंगे। महिपाल जी आपको क्या लगता है कि भारत का जो संविधान है वो दूसरे देशों से अडॉप्ट किया गया है या उनकी नकल की गई है? मतलब लोग ऐसा बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, ये कारण भी हमको जानना पड़ेगा, और तब जाकर हम अपना पक्ष रख पाएंगे कि ऐसा है भी या नहीं, असल में हमने मतलब किस प्रकार से संविधान निर्मित हुआ। लोग नहीं बोलते मैडम, भारत के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, भारत के सभी लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ मनु की विचारधारा के लोग ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि कॉपी पेस्ट किया गया है। अब अमेरिका को भारत की कोई चीजें अच्छी लगी है तो वो नहीं लेगा क्या? ले सकता है, उस देश के लिए, उस देश की जनता के लिए कोई चीजें अच्छी है तो ले सकता है। तो कुछ देशों का भारत के संविधान में जरूरी थी कि अमेरिका की चीजें कुछ चीजें अच्छी है कि इंग्लैंड के देश की कुछ चीजें अच्छी है, तो बाबा साहब ने अपने संविधान में डाली, जो पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के मानव के लिए हित के लिए है, वो चीजें उन्होंने संविधान में लिखी, उसमें कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट थोड़ी बोलते हैं। कॉपी पेस्ट तो है कि कंप्यूटर में चीजें डाली है, टाइप हुई, वो कि वही कॉपी करी और दूसरे पेज पर डाल दी, ऐसा नहीं हुआ है। बाबा साहब ने संविधान, दुनिया के संविधान पढ़े हैं पहले, फिर उसमें उनको लगे कि ये चीजें अच्छी है पूरे देश और समाज के लिए, तब वो चीजें उन्होंने अपने हाथ से ड्रॉप किया है, उसमें कुछ चीजें उनके हिसाब से जो संशोधन करा वो संशोधन करके उस चीज को उन्होंने अपने संविधान में डाला है।
इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, ये तो मुद्दे को डाइवर्ट करने की, जो भारत में जो रियल मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए ऐसे मुद्दे बीच बीच में छोड़ देते हैं। मीडिया उनके हाथ में है, सभी चीजें उनके हाथ में है, तो वो ऐसे मनुवादी विचारधारा के जो लोग है वो ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। कॉपी पेस्ट किया है तो वो भी कर लेते हैं, उनके बाप दादा जिंदा थे उस समय, नेहरू गांधी जो लोग थे उन लोगों से कॉपी पेस्ट करने की नहीं बनी। नेहरू ने तो 1935 में जो संविधान लिखा वो कचरे में ढेर में फेंक दिया उन्होंने अंग्रेजों ने, तो इनसे तो कॉपी पेस्ट भी नहीं हुआ। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और फिर उसमें से भी बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, ये जो संविधान बना है इसमें 1935 के अधिनियम से भी किया है और 1928 की नेहरू रिपोर्ट से भी किया है, तो ऐसा तो हम किसी को एकदम से नकार तो नहीं सकते। 1931-32 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ है तो वो चीजें भी उसमें से की चीजें ली गई है, 1935 का जो एक्ट है उसमें से वो चीजें कुछ ली गई है, तो कहीं कहीं जहां जो चीजें अच्छी थी वो चीजें सब का समावेश करके बाबा साहब ने किताब में संविधान में वो चीजें डाली है, तो कोई बुरा थोड़ी अच्छा है। संविधान में ये जो मनुवादी लोग है जिन्होंने पढ़ा नहीं, अनपढ़ जाहिर जो लोग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बदमाशी कर रहे हैं। मनुवादी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, मनुवादी शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, मनुवादी कौन होते हैं दर्शकों को ये? मनुवादी जिसने मनुस्मृति लिखी थी ना, मनु ने मनुस्मृति लिखी है, मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को अधिकार नहीं है, अछूतों को अधिकार नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, इनको भी अधिकार से वंचित किया गया मनुस्मृति में। तो मनु जो था वो समतावादी नहीं था, असमानवादी व्यक्ति था, उसकी सोच थी वो घटिया सोच थी, अच्छी सोच नहीं थी, इंसानियत पे कलंक था वो, इसलिए बाबा साहब ने 1927 में उसकी मनुस्मृति को जला दिया था दिल्ली में। तो मनुवादी वही जो ब्राह्मणवादी जो लोग है या उनकी पैदाइश जो लोग है उनको समर्थन करने वाले लोग है, जो अनपढ़ है, जाहिल है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि संविधान बना देने मात्र से ही ये लागू नहीं हो जाएगा, इसका दायित्व जो है उसको लागू करने वाले लोगों के हाथों में है और उनके ऊपर निर्भर करता है कि संविधान किस तरीके से लागू होगा। साथ में उन्होंने एक और बात ये भी कही थी कि जो राजनीतिक समानता है वो तो संविधान के माध्यम से हम दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना संविधान से नहीं होगा, ये समाज की जिम्मेदारी है। तो ये जो शब्द अम्बेडकर जी ने कहे, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में इनके इनका क्या औचित्य है, यानी कि ये हो पाया नहीं या नहीं हो पाया संविधान को जिसने लागू किया या संविधान का दायित्व जिनके हाथों में था उन्होंने किस प्रकार से इसका निर्वहन किया? अभी तक तो नहीं किया उन्होंने, 1950 से संविधान लागू हुआ, आज 2024 चल रहा है, आज भी जातिवाद चरम सीमा तक है गाँव में, शहरों में भी आंतरिक रूप से मानसिक रूप से वही जातिवाद अभी भी यही है, रिश्ते भी नहीं होंगे, छुआछूत भी, बराते भी रोकी जाती है ना, मूछ रख लेते तो मारते हैं, पगड़ी डाल लेते तो मारते हैं। अभी गुजरात का आज ही न्यूज पढ़ा मैंने, एक व्यक्ति ने पगड़ी और चश्मा लगा ली तो गुजरात में पीट दिया उसको, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था। तो आज भी ये घटनाएं हो रही थी, क्यों हो रही, क्योंकि इनकी कमजोरी है, जो सत्ता में बैठे जो लोग है, मनु की विचारधारा के लोग है, इन्होंने देश में संविधान को सही तरीके से अमल नहीं करा, जिसकी वजह से आज भी जातिवाद, धर्मवाद, इतनी नक्सलवाद तक, आदिवासी जो समाज आज नक्सलवादी मतलब हथियार उठा रहे हैं। तो ये इनकी कमजोरी है कि ये देश चला नहीं पा रहे, संविधान को लागू नहीं कर पाए। कह रहे नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझे 60 महीने दे दो, मैं देश की अर्थव्यवस्था सुधार दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, फलाना कर दूंगा, 15 करोड़ काला धन ले दूंगा, हर व्यक्ति को 15 लाख दे दूंगा। हम कहते हैं कि हमको 60 महीने दे दो, और 60 महीने क्या, 6 महीने दे दो हमको भारत में देश का प्रधानमंत्री बना के देखो, फिर बता दें हम कैसे करप्शन खत्म होता है, कैसे गरीबी दूर होती है, कैसे रोजगार दिए जाते हैं। हम आपके पास आते हैं, हमारे एक और मेहमान मिलिंद वानखेड़े जी, आपसे भी हम इस मुद्दे पर आपके विचार चाहेंगे, आप आपका माइक और चालू कर दिया जी। किस संदर्भ में, एक्चुअली क्या लगता है जी?
मैंने इनपुट देखिए ऐसा है, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हाँ आ रही, आवाज आ रही, वीडियो नहीं खुला, ठीक है, ठीक है सर। देखिए कोई भी आर्टिकल संविधान का हो या कुछ धाराएं हो कानून की, अगर वो कागजों में है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, एजेंसीज होती है जिसको हम लोग, एक तो होते हैं शासन करने वाले लोग, शासन कर जो कर करने वाले लोग होते हैं उसको डिसीजन मेकिंग एजेंसी है, और साथ में होता है प्रशासन, उसको लागू करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर जितने सारे उच्च पदों पर वही लोग बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता ही वैसी है जो हजारों साल से चली आ रही है, वो अधिकार देना ही नहीं चाहते, तो संविधान का इम्प्लीमेंट बिल्कुल ही निग्लिजेबल है। और जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे लोग पहुंचे हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में गए हैं, शासन में गए, प्रशासन में गए, नौकरी में गए, ये रिप्रेजेंटेशन जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14-15 का, या जो संगठन बनाते हैं लोग आर्टिकल 19 का है, केवल इसको स्ट्रगल करके गए हुए हैं, अधिकारों को ऐसा मांगने से कोई मिलते नहीं है, भीख नहीं है कोई, ये तो स्ट्रगल करके गए हैं और एजुटेशन से गए, संघर्ष से गए। तो अब रही बात शासन प्रशासन में भागीदारी वाली या शासन करती जमात बनना, एक शब्द ही बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ। तो सवाल यह है कि 3% ब्राह्मण है भारत में, और इनकी 3 या 4 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। अभी संविधान बनने के बाद क्या हुआ, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि समस्या क्यों है यहाँ की। महिपाल जी ने बोला थोड़ी देर के पहले, सारी अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी होती है, वो आर्टिकल 17 में तो एबॉलिश हो गई, छुआछूत जो संविधान के रूप से, तो आर्टिकल 17 ने एबॉलिश कर लिया, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी लागू हो गया। लेकिन क्या है, मैंने स्वयं पिछले 2003 से लेकर अभी 2023 तक 20 सालों में करीबन 2000 केसेस का फैक्ट फाइंडिंग किया। जय भीम पिक्चर आपने देखी होगी ना, अभी साउथ में बनी है, जय भीम की मूवी बनी है जो टॉर्चर के ऊपर बनी है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, वो तो अभी आपने देखी 1-2 साल पहले, लेकिन 2003 से लेकर करंट तक वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना पुलिस वाले, उसी तरह से हम जाके गाँव में फील्ड फैक्ट फाइंडिंग बोला जाता है उसको, तथ्यों का अन्वेषण करना, उसके बाद उस फैक्ट को सही रखना प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, या जुडिशियल मतलब ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेशन उसके सामने रखना। वो बात भी नहीं करेंगे तो फिर उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए काला कोट पहन के कोर्ट में खड़े हो, यहाँ तक स्थिति है। अब आप सोचें कि हमारी आज भी स्थिति, प्रॉपर FIR नहीं लिखी जाती, एक व्यक्ति जो बोलता है उसको FIR थानेदार नहीं लिखता, अपनी मर्जी से लिख लेता, ऐसी स्थिति है। तो ये बहुत सारे, मेरा मतलब है बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन करते हुए शासन प्रशासन में, जुडिशरी में, जो भी मेन पॉइंट है उसमें आना होगा। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि आंकड़ा निकालोगे, डाटा बताएंगे आप, इतने हमारे IAS है, इतने IPS है, इतने अधिकारी है। सवाल बस समय की सीमा होने वाली है, लेकिन एक आखिरी सवाल इसके ऊपर, हाँ वो ये सवाल है कि 1050, देखिए अभी 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन ऐसे कानून पास हो जाते शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के, आर्टिकल 331-332 के तहत मुंह नहीं खोलते हैं, 1250 से ज्यादा एमएलए हैं। सवाल सर, सर सर रुकिए, जैसे कि आपने ये बताया कि संविधान को बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है, और वहीं हम ये भी कह रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो ऐसे में संविधान का महत्व, आज संविधान का क्या महत्व रह जाता है आपकी नजर में? संविधान महत्व है, खास करके जो भारत की जो प्रजा है, लगभग 97% लोगों के लिए उसका इम्पोर्टेंस है, 97% 100 में से, सिवल ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाए, उसमें पूरे राजपूत से लेकर जो बनिया वर्ग से लेकर सारे देख ले उसका इम्पोर्टेंस है। इसीलिए अभी जो पार्लियामेंट बनी है, आपने देखा होगा जिन्होंने शपथ ली है ना, चाहे वो इंडिया के जितने भी लोग हो, किसी भी पार्टी के हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान की कॉपी लेके बात की, और संविधान के मुद्दे पर ही विपक्ष एकजुट हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि संविधान का कितना इम्पोर्टेंस है। और जो सवाल किया था आपने कि उसका महत्व तो कुछ नहीं है, बीजेपी का सवाल था, हम 400 पार होंगे तो बदल देंगे, ये प्रूव है, हम प्रूव हो गया अभी जो करंट पार्लियामेंट है उसके हिसाब से। जी ठीक है महिपाल जी, आप भी इसके महत्व पर अपने विचार 2 शब्द में रख दीजिए, इसका महत्व क्या है? मैडम बहुजन समाज जो है
जिसको हम मजलूम समाज बोलते हैं, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये संविधान नहीं हो तो उनका तो जीना हराम कर दें ये लोग। उनके जो अधिकार है, उनकी संपत्ति है, उनकी जो शिक्षा के अधिकार है ना, ये सारी चीजें वो एक झटके में नील नल एन नील घोषित कर देंगे। मतलब उसमें है तो वो लागू हो रही है। हाँ, तभी उसका महत्व लागू हो रही है। देखो लागू तो थोड़ा थोड़ा तो उनको दिखावे के रोल पे करना पड़ेगा ना। जैसे ईवीएम मशीन है, हम कह रहे ईवीएम मशीन फेल है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा जो घटती है सीटें वो पूरी कर लेते हैं, बाकी वो सीट जो जीत जाते हैं ऐसे करके वो उनकी सरकार बना लेते हैं। तो अभी जैसे इस सरकार में क्या करा, कुछ सीटें उनको दे दी, कुछ चीजें उनने ले ली, कुछ कांग्रेस को दे दी, थोड़ी घटी उनको ओबीसी के नेताओं को देखे उनको ले लिया, और ऐसे करके उन्होंने सरकार बना ली। तो ऐसे उनको पूरी तरीके से अगर कर देंगे तो विद्रोह क्रांति नहीं हो जाएगी, तो ईवीएम के खिलाफ भी क्रांति नहीं हो, इसलिए इस तरीके से उनने ये जो चक्रव्यूह रचते हैं। ऐसे ही संविधान को भी अगर एक तरफ खत्म कर देंगे तो लोग इनको यहाँ से यूरेशिया जाने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे, इनको जाने के लिए पब्लिक तो क्रांति कर देगी ना, तो थोड़ा थोड़ा तो अमल करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी। हमारे एपिसोड में जी सर, हमने महिपाल जी और मिलिंद वानखेड़े जी से चर्चा की, इनके विचार इन्होंने रखे और हमने हमारे सवाल किए। संविधान के बारे में हम और अधिक जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे श्रोतागणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता, जो कि गरीबों, मजलूमों और महापुरुषों की बात करता है, वो सबकी आवाज उठाता है, और आप अपनी आवाज उठाने के लिए इसके साथ जुड़ भी सकते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।